वेलकम स्टूडेंट्स। सो आगे हम करते हैं हमारा जेई मेन्स पीवाईक्यू सीरीज में अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और 2019 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास एक्स जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है और इम्पोर्टेंट क्या है कि पाई बाय 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर विच द इक्वेशन इज, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखिए इसको शुरू करते हैं हम। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए ध्यान से, ये साइन एक्स है और यहाँ पे साइन 3x है, तो इन दोनों को हम साइन c प्लस साइन d की हेल्प से कंबाइन करते हैं। तो वो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, दैट इज़ 4x बाई 2 इंटू कोस ऑफ x माइनस 3x, दैट इज़ 2x बाई 2। एंड यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन 2x कोस x माइनस साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हम साइन 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2 कोस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमने इसको फैक्टराइज कर लिया दो फैक्टर्स में। अब क्या होगा कि ये कह रहा है कि 0 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि या तो साइन 2x आपका 0 हो जाएगा या फिर 2 कोस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। मीन्स यहाँ से या तो साइन 2x इक्वल टू 0 होगा या आपके पास कोस x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो सबसे पहले हम कोस x के सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे कोस x आपके पास हाफ है और x 0 से पाई बाय 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स जो हाफ है हमारे पास उसके लिए तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज़ x इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब 2x की बात करते हैं, तो अगर मेरे पास इसके हमारे को सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज़ साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल है x है वो आपका लाई कर रहा है पाई बाय 2 से लेके ये, तो हमारे पास जो 2x है वो लाई करेगा आपका 0 और पाई के बीच में। तो अब हमें देखना है कि 0 और पाई के बीच में हमारे पास साइन कब कब 0 होता है। तो साइन हमारे पास 0 होगा एक तो पाई बाय 2 पे 0 होगा, देन उसके बाद वो 0 होगा पाई पे, बट पाई यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो x यहाँ से आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 इसका दूसरा सॉल्यूशन। तो टोटल इसके सॉल्यूशंस आपके पास कितने हो जाएंगे, 2। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स इसी तरह होल आप पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एक आपको PDF भी मिलेगी जब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे अप टू 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपको इसके एक PDF दूंगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक बार हमारे सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं कंप्लीट हो जाएंगे।